इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बिना किसी देरी लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कौन सा है? है अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बस एक चीज करनी पड़ती है, क्या कि ये वर्ड्स में जो लिखा है ना क्वेश्चन, उसे हमें इक्वेशन में फॉर्म कर लेना है। एक छोटी सी उसकी इक्वेशन बना ली है, जैसे ही अपन ने इक्वेशन बना ली बस वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं उस नंबर को एक्स मान लेती हूँ तो हमारे पास गिवन ये है कि गिवन क्या है कि एक्स में से अगर मैंने क्या माइनस किया, x का ही 3/5 पार्ट, तो हमारा आंसर 50 आ रहा है। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। x में से अगर हमने 3/5 ऑफ x माइनस किया तो फिर हमारा आंसर 50 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि इसके नीचे 1 है, राइट। इन दोनों का एलसीएम 5 आएगा, यानी कि नीचे भी हमें, यहाँ पे भी हमें 5 लाना पड़ेगा। 5 आने के लिए यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और जो हम नीचे करते हैं वही ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50, राइट। ऐसे ही होगा। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। अब हमें यहाँ पे x को अकेला छोड़ना है, तो x को अकेला छोड़ने के लिए हमें 2/5 को इधर लाना पड़ेगा और 2/5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके डिविजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 50 इंटू 5/2, राइट। यहाँ 2/5 था तो यहाँ डिविजन में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा और इंटू में लग जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 5 10, 25 इंटू 5 कितना होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 के लिए 2, 5 टू जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 125, x की वैल्यू आ गई हमारी 125, यानी कि हमारा जो नंबर है वो है 125। अब आप इस नंबर को यहाँ पे बिठा कर भी देख सकते हैं इस इक्वेशन में और आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर, वैसे तो ये आंसर सही है, ठीक है। ये हो गया मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल बिकॉज मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। कमेंट करके जरूर